झारखंड के पलामू में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी हुई, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। दरअसल पलामू के पांकी में महाशिवरात्रि के तोरण द्वार को बनाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद उपद्रवियों ने आसपास के इलाके में पत्थरबाजी करते हुए आगजनी कर दी थी। इस हिंसा के बाद पांकी बाजार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं सियासी दलों ने इस मुद्दे पर जमकर रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जामा मस्जिद के सामने गेट नहीं लगाना चाहिए था, ये पहले से पुलिस के सामने तय किया गया था। यह संघ परिवार की साजिश थी और बवाल करने में वो कामयाब हो गए और सरकार शांति बनाए रखने में चूक गई। तो उधर बीजेपी ने वार किया। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस और सीएम हेमंत सोरेन ने तुष्टीकरण की राजनीति कर झारखंड को बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ जिला प्रशासन के अनुरोध पर सरकार ने अफवाह फैलाने से रोकने के लिए पूरे ज़िले में इंटरनेट की सेवा को 16 फरवरी तक अस्थायी रूप से बंद कर दी है।